दोस्तों आज की कहानी है भाभी आपकी बहू कौन सा दहेज लेके आई है जो आप इतनी भव्यता से स्वागत कर रही हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुंदर देवी का गराज फूलों से महक रहा था, रोशनी से नहा रहा था, घर में सबसे बहू आने वाली थी। एक बेटा और एक बेटी की माँ सुंदर आज खुशी से सहक रही थी। बेटे रौनक की शादी के लिए एक पाव पर दौड़कर काम कर रही थी। कहीं कुछ सूट ना जाए, कहीं शगुन अधूरा न रह जाए, कहीं कोई रस्म अधूरी ना रहे। बहू का स्वागत पूरे रस्म और रिवाज और शान से होना चाहिए। सुंदर देवी की सास और ननद सुमिता का मुंह फूला हुआ था। आखिर बहू का इतना स्वागत कौन करता है, ये बहू तो बहू आने से पगला गई है। बहू ही तो आ रही है, कौन सा इतना दहेज ला रही है जो इतनी भव्यता से स्वागत किया जाए। पर सुंदर देवी पर ना सांस ना ही ननन की बातों का असर हो रहा था। वह तो अपनी बहू के स्वागत में व्यवस्थित दोनों की बातों को इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। पहले सुनती थी, दिल पर लेती थी, पर अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी बेटी ज्योति भी माँ की पूरी मदद कर रही थी। उसका भी ब्याह तो हो चुका था, पर पहले घर में बहू ला रहे थे ताकि जब वह घर से जाए तो बेटी की कमी ना करे। सुंदर देवी ने बहू के लिए अच्छे से कमरा तैयार करवाया। आरामदायक पलंग की व्यवस्था की, कमरे में बड़ी अलमारियां बनवाई ताकि उसे परेशानी ना हो। खिड़की पर सुंदर से पर्दे लगवाए और हाँ आजकल के जमाने के हिसाब से ऐसी भी लगवा दिया। कमरे में छोटा सा फ्रिज भी रखवा दिया ताकि जब कंठ सूखे तो ठंडा पानी भी पी लेवे। इतना पैसा पानी की तरह आ रही हो भाभी, वह भी अपनी बहू के लिए। सुमिता जी ने फिर तंज कसा, बहुओं को तो ससुराल के कोने में जगह मिल जाए वह ही बहुत है, उनको ज़्यादा आराम मिल जाए तो वह आलसी हो जाती हैं। अब मायके में कूलर में रहती हैं तुम्हारी बहू, यहाँ ऐसी की हवा खाएगी तो उड़ने लगेगी। ये सब नखरे अभी से ना उठाओ, बहुओं को तो जितना दबा कर रखोगी उतना सुखी रहोगी। सुंदर देवी मुस्कुरा दी, जी जो मेरे साथ हुआ वह उसके साथ ना होने दूंगी। ये सुनकर ननन की बोलती बंद हो गई। जब सुंदर देवी इस घर में शादी होकर आई थी उसे घर का सबसे छोटा कमरा दिया गया। मायके वालों ने जो भी दिया उसे ननन के ब्याह के लिए रख लिया गया। कोई भी चीज इस्तेमाल ना करनी थी, पलंग और हवादार पंखा खुला ही ना गया, जमीन पर गद्दा बिछा दिया गया और हवा के नाम पर खिड़कियां थी जिनमें से हवा कम, मच्छर और धूल मिट्टी ज़्यादा आते थे। बड़ी मुश्किल से रात को सो पाती थी, नींद पूरी ना होती थी, सवेरे मुंह अंधेरे उठने का आदेश भी था। जब गर्भवती हुई तभी उठने बैठने की परेशानी हुई। कमरे में अलग से पानी की मटकी रख ली तो घर में बवाल मच गया था। आखिर बहू की हिम्मत कैसी हुई अलग मटकी रखने की, कल को सौका भी अलग से रख सकती हैं। मटकी हटवा दी गई। 2 साल बाद सुमिता का ब्याह हुआ, सारा देश का सामान उसे दे दिया। सुंदर देवी के पति भी खुश ना बोले, आखिर उनको भी ज़्यादा खर्च ना करना पड़ा। पत्नी के दहेज का सामान देने से उन्हें भी अफसोस ना हुआ, जैसे तैसे रही। लेकिन सास ने मायके के गहने भी ना छोड़े, जैसे थे वैसे ही दे दिए। अपने मायके के गहने भी पहनने को तरस गई थी। जब सुमिता के गले में मायके से मिला हार देखती तो कलेजे में हुक्सी उड़ती थी, फिर मन महसूस कर रह जाती थी। समय अपनी गति से सज रहा था। एक बेटा और बेटी की माँ बनी, घर में भी बरकत हुई, व्यापार खूब फैला, आज किसी बात की कमी नहीं है। बेटे रौनक ने अपनी पसंद की लड़की
बता दी। सबने मना किया पर सुंदा देवी ने अपने बेटे की सुनी और रिश्ता पक्का कर दिया। सास और ननन का मन था कि रौनक की शादी किसी अच्छे अमीर परिवार में हो ताकि ज्यादा दहेज मिलेगा और वह दहेज ज्योति के ब्याह में काम आ जाएगा। पर सुंदा देवी के लिए दहेज से ज्यादा जरूरी अपने बेटे की खुशी थी। ब्याह हो गया, बहू का स्वागत हुआ। सावन से भरा कलश ढलका कर रागिनी ने प्रवेश किया। रोली से भरे थाल में पैर भिगोकर अपने पैरों के निशान छोड़े। जब सात थाल एक एक करके उठाए तो जरा भी आवाज नहीं की कि मंदिर में नीम की डालियों का खेला और ढोलक की थाप से माहौल आंधी तो हो रहा था। सारे घर के मेहमान वहीं थे। सारे रस्मों रिवाज के बाद पेटी खुलाई की रस्म हुई। सुमिता जीजी ने ज्योति को उकसाया कि भाभी की सबसे अच्छी वाली महंगी वाली साड़ी ले लेना, तेरे ब्याह में काम आएगा। और हाँ, ये झुमके भी ले ले, बड़े सुंदर लग रहे। पर सुंदा देवी ने आकर हाथ रोक दिया। बहू, जो मेरे साथ हुआ तो वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम अपनी मर्जी से कोई भी साड़ी ज्योति को दे दो, तुम्हारे मायके से आई चीज पर सिर्फ तुम्हारा ही हक होगा। ये सुनकर ज्योति के हाथ से वह साड़ी छूट गई जिसे रागिनी ने सबसे नीचे दबा कर रखा था। वह उसकी दादी की साड़ी थी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। गोटा पति का पक्का हाथ वाला काम था जिसे दादी ने अपने हाथों से तैयार किया था। रागिनी ने अपने हाथों से दूसरी अच्छी सी साड़ी ज्योति को दे दी। ज्योति खुश हो गई पर सुमिता जीजी का चेहरा उतर गया। ये झुमके तो मेरी बहू पर ही जसेंगे, बहू के मायके से आई चीज पर सिर्फ बहू का हक है। सुंदा देवी ने झुमके भी वापस बहू रागिनी को दे दिए। अपनी बहू का एक भी सामान ज्योति के ब्याह में ना दिया, ना साड़ी ना ही जेवर। ऐसा अक्सर होता है, बहू का सामान बेटी की शादी में दे दिया जाता है। यहाँ तक कि कपड़े और जेवर भी कई घरों में मैंने सुना।